नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार मुक्त राम राज्य लाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश में कितना राम राज्य आया इसकी वानगी गाजीपुर जिले में तहसीलदार के कोर्ट पर देखने को मिला। यहां पर एक व्यक्ति वरासत का कागजात जो करीब 15 दिन पूर्व बन चुकी थी और तहसीलदार ने अपने पेशकार से लेने की बात कही थी, जब वह व्यक्ति पेशकार के पास पहुंचा तो उसे किसी अन्य के माध्यम से पैसे की मांग किया गया और पैसा जब नहीं मिला तो वह लगातार रोज दौड़ाने लगा। आज जब उसका धैर्य का बात टूट गया तब वह तहसीलदार की कोर्ट में पहुंचा और पेशकार से अपने कागज की मांग करने लगा। इस दौरान पेशकार विषम बाबू पीड़ित को लगातार गालियां देते नजर आए। वह इतना पर ही नहीं रुके बल्कि वह जूतों से मारने की भी बात कहने लगे। यह पूरी वारदात मोबाइल में कैद कर लिया गया। आप आंख मत दिखाया करिए पहली बार, और आइए प्यार से बोला सीख लीजिए, सुन लीजिए। उंगली दिखाएंगे आप? एकदम दिखाऊंगा, और सवेरे सवेरे गर्मी की अगर इच्छा होगी। नहीं तो आप ये सेवा करने के लिए बैठेंगे, गर्मी दिखाने के लिए बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ गुंडाई भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, और जो प्यार से बोलेगा प्यार से बोलूंगा। मतलब कि आपको मतलब किसी भी हालत मतलब गिर सकते हैं इतना कि मैं ना, इसलिए कि मैं कल का मूड खराब हो गया मेरा। आपसे मैंने कब पैसे की बात कहा था ये बताइए। बुलाइए इनको। किसको बुलाया? अरे बुलाइए इनको, बुलाइए। अरे बुलाइए ना, किसको बुलाइए? आप ही का मैंने कहा है। कसम खाओगे? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, खाओगे कसम हमारी? चल मंदिर कसम खाओ, चलो। कहाँ चल जी? शांति नहीं, अभी पीटना शुरू करेंगे। चप्पल निकाल के, क्या कहें आप? चप्पल निकाल के पीटूंगा अभी तुमको, होश में हो जाओगे। कम से कम शराफत से आइए। शराफत से पेश आ रहा हूं। शराफत से पेश आइए। आदमी को जान लीजिए। नहीं, शराफत से पेश आइए आप। शराफत से पेश आइए आप, माफ़ करेंगे। हाँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, शांति से रहिए। नहीं, आप माफ़ करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे हाथ उठा दीजिए आप। ये कौन? मैं कह रहा हूँ उठाइए, शांति से रहिए। नहीं, मैं कहूँ उठाइए आप। क्या मामला था आपका? एक मेरा वरासत का मामला है, जो 10 तारीख का डेट था। मैं वहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ गया तो बोले कि आपका आज ही हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, और पेशकार से मिल लीजिए। जब मैं पेशकार साहब से मिलने गया तो वो कह रहे हैं कि एक अपने आदमी को भेजे कि जाइए, 1200 रुपये लगेगा, दे दीजिए। जब उससे मना कर दिया मैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो पेशकार साहब के पास फिर दोबारा मैं गया तो कहने कि नहीं करूंगा, मैं एक हफ्ते बाद करूंगा। उसके बाद माँ बहन और पूरी बहुत कुछ गालियाँ देने लगे और बहुत काफ़ी उल्टा सीधा है, और मारने तक धमकी दे रहे हैं कि मारेंगे, दौड़ा कर उलाट के मरवाएंगे, यहीं पर कोई कुछ नहीं करेगा हमारा। ये जो आपने जो वीडियो बतला रहे हैं, ये वीडियो कब का है? अभी का, जस्ट अभी का है वीडियो। अभी मात्र 10 से 15 मिनट हुए होंगे। उसमें क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं मारूंगा और अपने आदमियों से बुलाकर इतना मरवाऊंगा यहाँ पे कि तुम सीधा नहीं। इस मामले पर जिला अधिकारी के बालाजी ने बताया कि उन्होंने भी वीडियो देखा है और वीडियो में कर्मचारी की गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिसकी जांच के लिए उन्होंने अपर उप जिलाधिकारी को सौंपा है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उक्त वीडियो को मेरे द्वारा भी देखा गया है और प्रथम दृश्यता दो लोगों के बीच में काफ़ी हार्ट अटैक होने का मतलब उसमें दिख रहा है, और इसको संज्ञान में ले लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ पैसा का भी बात चल रही थी। तो इसमें मेरे द्वारा यहाँ जो डिप्टी कलेक्टर है श्री मोहम्मद कमर, उनको जांच करने के लिए आदेश दे दिया गया है। शीघ्र ही जांच आज्ञा प्राप्त की जाएगी, फिर यदि गलती कुछ साबित हो रही है तो ज़रूर दंडात्मक कार्रवाई की। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।